हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अड्डा 24/7। आप सभी बच्चों का स्वागत है और स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस सेशन में, जिसमें कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा परसेंटेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, परसेंटेज के पार्ट नंबर 3 को। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और काफी बच्चे सुबह से जो है आ चुके हैं। एक बार फटाफट से देखते हैं भाई कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल जोन, फर्स्ट ज्वाइन टू रिमेम्बर माय नेम राहुल 3.0। अच्छा भाई राहुल जोन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजा, सुग्रीव, पूजा कुमारी, नैना, सुजेता एंड शहनाज, आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और परसेंटेज का जब कंप्लीट होगा पार्ट, तभी उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग सारे पार्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक पीडीएफ नहीं देंगे, ठीक है। जैसे ही पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक ही पीडीएफ में दिया जाएगा, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही पीडीएफ के अंदर आपको मिल सकें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले आज आपको बताता हूं कि आज आपका वीकेंड यानी कि सैटरडे है, तो अड्डा 247 हमेशा कुछ ना कुछ नया डिस्काउंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आता है। और जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 72% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो सभी स्टडी मटेरियल पर आप लोगों को मिल रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सकता है मेरे रेफरल कोड अप्लाई करके Y240। तो आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करके, Y240 कोड को अप्लाई करके आप जो है 72% के डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, ठीक है भाई। कितने पार्ट हैं? तो अभी दो पार्ट आपको और कराए जाएंगे, जिसमें परसेंटेज के और बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, जितने बच्चे भी आ चुके हैं आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है। ओके राजा जी, चलो शुरू करें। तो एक बार फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आके लिखे रेडी हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को साथ मिला के और सेशन की शुरुआत की जा सके। तो 72% का डिस्काउंट, रेफरल कोड ऊपर भी लिखा हुआ है आपका Y240, इस कोड को अप्लाई करके आप इस बेहतरीन डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। सर, एडवांस मैथ्स की क्लास कब लेंगे CHSL के लिए? एडवांस मैथ्स की भी क्लास लेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 16th of October से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस एग्जाम के एनालिसिस के लिए SSC के जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उन सभी के लिए, मैथ्स के सेक्शन के लिए मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूंगा। तो चैनल पर आ जाइएगा जैसे ही एग्जाम होगा, एनालिसिस के लिए कि किस तरीके का एग्जाम आ रहा है और किस तरीके से चीजें आप लोगों को पूछी जा रही हैं। तो CHSL स्टूडेंट्स, और एक मैं इस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहा हूं कि पूरे दिन में जो भी 3 शिफ्ट्स होंगी, पूरे दिन के अंदर जो भी 3 शिफ्ट्स होंगी, उन तीनों की तीनों शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं एक साथ कराने वाला हूं, ठीक है। तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा और साथ में अपने टेलीग्राम लिंक पर भी आपको दे दूंगा। चलो शुरू करते हैं बच्चों, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों के सामने लेके आ जाता हूं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार इनको हटा लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। और आज की क्लास के अंदर जो परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का ये रहा आपके सामने, और शुरू हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, मैं आपके साथ हूं और आप लोग जो है बिल्कुल अपने प्रिपरेशन को मेरे साथ आगे बढ़ाइए। और मैं जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपके सामने लेके आऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, ही फेल बाय 200 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट 25% नंबर लेता है तो 210 नंबर से फेल हो जाता है। बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स, सेशन को शेयर करते जाइए भाई, काफी कम बच्चे दिख रहे हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसको पास होने से 240 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं,
तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज आपको बतानी है कि पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आके आंसर को देना शुरू कर दीजिए और लग जाओ भाई, शुरू हो जाओ, क्लास शुरू हो चुकी है। जो भी 5-7 मिनट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रखी जाती है वो मैं बता देता हूं, उसके बाद अब हम सेशन को शुरू करते हैं। चलिए तो 25% मार्क्स लेता है एक विद्यार्थी और 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर एक स्टूडेंट 25% मार्क्स लेता है टोटल मार्क्स का तो वो फेल हो जाता है 210 नंबर से। अगर आप इस बच्चे को 210 नंबर दे देंगे तो ये स्टूडेंट पास हो जाएगा, यही बात है यहां पर। लेकिन अगर वो स्टूडेंट 55% मार्क्स लेता है, अगर वो 55% मार्क्स लेता है तो बच्चों पास होने से 240 नंबर ज्यादा ले जाता है। अगर वो 55% मार्क्स लेता है तो पास होने से 240 नंबर अगर ज्यादा ले जाता है तो 240 नंबर इसमें से माइनस कर दो, जिस पर एग्जैक्टली जो कंडीशन बनेगी वो दोनों तरफ पास वाली कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि यहां पर वो कम नंबर ले रहा था इसलिए ऐड कर दिया, यहां ज्यादा नंबर ले रहा था इसलिए माइनस कर दिया। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी, और इसके बाद इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ जो कंडीशन है वो पासिंग वाली कंडीशन है। अब एक काम करते हैं, 240 को जब इधर लेके आएंगे आप लोग, जब 240 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 450, और 25% को जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30%। यानी 30% मार्क्स का आपके पास 45 है तो 1% बच्चों मार्क्स का कितना होगा 15, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 1500, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%। अगर आपसे ये पूछता कि टोटल मार्क्स बता दीजिए तो टोटल मार्क्स की वैल्यू आपके पास कितनी होती 1500, यानी 1500 इसमें टोटल नंबर रहते। लेकिन आपसे पूछा गया पासिंग परसेंटेज, आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लीजिए या आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लीजिए, यह आपकी मर्जी है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करता हूं तो 25% मार्क्स तो उसने लिए ही है, अगर वो 210 नंबर और ले लेता कितने में से 15 में से, ठीक है भाई, 210 नंबर अगर वो और ले लेता 1500 में से तो मल्टीप्लाई करके 100 करके आप टोटल मार्क्स निकाल सकते थे। तो जीरो से जीरो काटेंगे, 15 एकम 15 कितना बचेगा 6 और 15 चौक 60, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही है बात सभी को, ठीक है भाई। 25% मार्क्स उसने लिए थे, 15 एकम 15 बचेगा 6, 15 चौक 60, इसका मतलब उसको 14% नंबर की और जरूरत थी। तो 25% में 14% अगर आप और जोड़ देंगे तो 39% पे वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस एग्जाम के अंदर टोटल जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 39%, ठीक है, क्लियर हो रही है बात सभी को। तो यहां पर काफी कम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। मोहिनी मिश्रा, आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं? ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, लेकिन बच्चे अभी क्या है लॉकडाउन की वजह से क्लासेस सारी बंद है, ठीक है। तो 39% दिख रहा है आपको, शायद मुझे लग रहा है कट रहा है, तो 39% आ रहा है क्योंकि 25 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 39%। ये तो होगी बच्चों एक बात, लेकिन अगर आप इसी के साथ सेकेंड वाली इक्वेशन को अगर यूज करते तो आप ये बोलते 55% मार्क्स तो उसने लिए ही थे, अगर वो 240 नंबर ज्यादा ले गया था कितने में से 1500 में से, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके 100, अब 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 9 और 15 गुणा 6 90, यानी कि जब इसमें से माइनस करेंगे 16%, यू विल गेट अगेन 39%। तो बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन में, चाहे आप इस इक्वेशन को यूज करें या इस इक्वेशन को यूज करें, आंसर विल बी सेम, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से बता दो एक बार सभी बच्चों को, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, क्लियर हुआ? यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए परसेंटेज के अंदर इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक तरीके से पूरा का पूरा डिस्कस मैंने यहां पर कराया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को, फटाफट से बताओ भाई, इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट, बी फास्ट, जल्दी से बताइए।
ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ले जाता हूं। आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरीके से, क्योंकि टोटल मार्क्स जब तक नहीं निकालोगे तब तक परसेंटेज को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बिल्कुल उसी तरीके का है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप बच्चे सभी बिल्कुल सही देंगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी क्लास के साल में आपके बोर्ड पे ही रहा। चलिए शुरू हो जाओ भाई जल्दी से। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चे लेट हो गए हैं टाइम पर रहा करो। और जितने बच्चे भी क्लास को देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होता है। अगर एक स्टूडेंट 36% नंबर लेता है तो फेल हो जाता है 32 नंबर से, लेकिन अगर उसे 48% नंबर प्राप्त होते हैं तो वो 64 नंबर ज्यादा ले जाता है पास होने से। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे आज की क्लास में लेट ही हैं, कुछ ज्यादा ही लेट हैं, ठीक है, बताइएगा फटाफट से। 40% सुग्री पांडे जी, टोटल मार्क्स नहीं पूछे गए हैं आपसे, पूछा गया पासिंग परसेंटेज, तो जो पूछा गया आपको वही निकालना है, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो रास्ते में ही निकल जाएगा सॉल्यूशन के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे कमेंट करो भाई फटाफट से, सभी बच्चे कमेंट करेंगे सेशन को शेयर कर दीजिए साथ साथ, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि जब उसने 36% नंबर लिए तो वो फेल हो रहा था 32 नंबर से, इसलिए 32 नंबर उसको दे दिए गए। लेकिन जब उसने 48% नंबर लिए, जब उसने 48% मार्क्स लिए तो पास होने से 64 मार्क्स ज्यादा ले जा रहा था, इसलिए 64 हमने माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे कि अगर आप इसमें 64 ऐड करेंगे तो ये 96 हो जाएगा, और 36% जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये 12% हो जाएगा। तो यहां से 1% की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास 800। तो टोटल मार्क्स बच्चों 800 आ गया। अब कहीं भी यूज कर लो यार, अगर मान लो आप इसको यूज करते हैं तो 36% नंबर तो उसने लिए हैं, अगर वो 32 नंबर और ले लेता टोटल 800 में से, और प्रतिशत के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब उसको कितने परसेंट मार्क्स की और जरूरत थी, उसको 4% नंबर की और जरूरत थी। तो आप बोलेंगे कि 40% जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, 40% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। 40% इज द राइट आंसर, 40% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दोनों ही आंसर दे दिए हैं, ओके, ठीक है। तो देख सकते हैं अब इस तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, और अगला क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके का है जिसमें इलेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने है, और ये परसेंटेज में सभी क्वेश्चन जो है इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इलेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, और एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% वोट जो है वो अवैध हो गए, और विनर ने यहां पर 70% वैलिड वोट्स लिए हैं और वो जीत जाता है, ठीक है, 9600 वोटों से। तो वोटिंग लिस्ट नंबर बताना है आपको और वैलिड वोट्स बताना है, तो ज्ञात करना है कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मतों की संख्या, ठीक है। चलिए आज तो भाई सारे ही बच्चे लेट हैं, अब क्या कर सकते हैं, लेट हैं तो अब मैं आपके घर तो आऊंगा नहीं, ठीक है, चलो शुरू हो जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना शुरू कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स बी फास्ट जल्दी से,
एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए और विनर ने 70% वोट लिया है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, ये बात तो आपको अच्छे से पता है ना, ये बात आपको अच्छे से पता है कि एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, लेकिन मैंने यहां पर दोनों पूछे हैं ताकि क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीकी से आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, एक बार जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं फटाफट से एक बार लाइक का बटन दबा दो भाई, अगर सेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को तो ठीक है। अब देखिए जरा यहां पर फटाफट से, अगर हम देखें तो एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट थे 100, वोट में मतलब इलेक्शन में टोटल 100 लोग थे और इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। अगर मेरे भाई 20% इनवैलिड हो गए तो 80 वोट तो वैलिड बचेंगे, और जो सही मत होते हैं, जो वैलिड वोट्स होते हैं, उन्हीं में से पता लगता है कि विनर कौन है और लूजर कौन है। तो यहां पर एक विनर होगा, इसमें से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। विनर ने सही मतों का 70% ले गया, तो 80 का 70%, ध्यान से देखना, विनर ने वैलिड वोट का 70% ले लिया तो 80 का 70% कितना होगा भाई, 80 का 70% मेरे भाई 56 हो जाएगा, 8×7 56 होता है। और अगर 80 में से 56 वोट विनर ने ले लिए, वैलिड वोट 80 थे, 56 वोट विनर ले गया, तो रिमेनिंग 24 वोट किसको मिलेंगे, लूजर को। ये बात समझ में आती है सभी को? ठीक है, कितनी क्लास हो चुकी है सर, तो दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, थर्ड पार्ट है इसका। अच्छा एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर 70% इसने लिया है तो इट मींस रिमेनिंग जो 30% बचेगा वो लूजर लेगा। तो आप दोबारा देखेंगे 80 का 30% भाई दोबारा से क्या आता है, 24 निकल के आता है। मतलब 80 का 30% दोबारा से क्या निकल के आता है, 24 निकल के आता है। ये बात आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप 80 का 70% निकाल के 56 निकालो और 80 में से 56 को माइनस करो 24, या परसेंटेज पे काम कर लीजिए कि 70% अगर विनर ले लिए हैं तो रिमेनिंग 30% कौन लेगा, लूजर लेगा। रिमेनिंग 30% कौन लेगा, लूजर लेगा। अब विनर जीत रहा है, अब विनर को जिताओ जरा एक बार। तो विनर कितने वोटों से जीत रहा है भाई, इनके अंतर से, और इनका अंतर कितना है, 32 यूनिट, और यही 32 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 9600 दी गई है। तो एक यूनिट की वैल्यू 32 दिया 96, तो 300 लगा दो। और मेरे भाई अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई है तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, अगर एक यूनिट की वैल्यू 300 है और अगर लिस्ट पूछी गई है तो लिस्ट में कितने लोग थे, 100, तो भाई 100 को आप मल्टीप्लाई करो 300 से तो लिस्ट में टोटल नंबर कितने होंगे, 30,000। तो ये तो आ गया 30,000 लिस्ट में, लेकिन अगर भाई वैलिड वोट अगर पूछेगा तो वैलिड वोट तो 80 है, तो वैलिड वोट के लिए आप 80 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000, यानी सही मतों की संख्या 24,000 है और लिस्ट में जो टोटल लोग थे वो 30,000 थे। अब जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? हां जी क्लियर हो गया बच्चों। भाई कुछ बच्चे स्पेलिंग, रविंद्र की स्पेलिंग भाई ये नहीं है, रविंद्र की स्पेलिंग जो है आप लोग इस तरीके से सर्च करिएगा, RAVINDER, मैथ्स बाय रविंद्र सर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी बच्चों को, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। देखो जिनको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, टोटल लिस्ट में 100 लोग थे, 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो भाई 80 वोट वैलिड होंगे। अब 80 जो वैलिड है उसका 70% विनर ले जाता है, तो 80 का 70% यानी कि 56, और अगर 80 में से 56 वोट विनर ले लिए तो 24 वोट कौन लेगा, लूजर लेगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 32 यूनिट का है, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 9600 वोटों से विनर जीत रहा है। तो 32 यूनिट की वैल्यू 9600 है, एक की वैल्यू 300, तो 100 की वैल्यू टोटल 30,000, लिस्ट में टोटल 30,000 थे, और वैलिड वोट की अगर हम बात करेंगे तो 80×300 यानी कि 24,000, 24,000 एंड 30,000 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इलेक्शन का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए ठीक है, अच्छा यार एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम इस क्वेश्चन को मेरे साथ फ्रैक्शन से सॉल्व करते हो, अगर तुम इस क्वेश्चन को मेरे साथ फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है,
तो मैं आप लोगों को एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरे साथ इतना रास्ता तय कर सकते हो, तो आइए मैं आपको समझाता हूं उस क्वेश्चन पे। देखो जरा, 20% वोट इनवैलिड हो गए मेरे भाई। 20% का मतलब सभी जानते हैं कि 1/5 होता है। अगर मान लो आप ये मान लेते हैं दिमाग में, देखो इस चीज को मैं लिख देता हूं, टोटल वोट, अगर टोटल वोट आप एक्स मान लेते हैं और 20% वोट इनवैलिड हो गए, अगर 20% वोट इनवैलिड हो गए तो इसका मतलब पांच में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो चार वोट बचेंगे। आप ये भी बोल सकते थे कि 20% अगर इनवैलिड हो गए तो 80% वैलिड होंगे। मेरे भाई 80% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 4/5 ही होता है, जो मैंने यहां लिखा है फ्रैक्शन की हेल्प से। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। अब ये कह रहा है कि 20% वोट तो इनवैलिड हो गए और विनर ने 70% वोट ले लिए। अगर विनर जीत गया 70% वोट से, अब इस बात को दिमाग लगाओ, अगर विनर ने 70% वोट लिए तो लूजर ने कितने वोट लिए होंगे, 30%। तो इसका मतलब विनर कितने वोटों से जीत रहा है, 40%। विनर 40% वोट से जीत रहा है और 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। तो अगर आप इसका 2/5 निकाल के भाई 9600 के बराबर रखोगे तो बात बन जाएगी। हाँ जी, जल्दी से बताओ। हाँ देखो, टोटल वोट आपने एक्स माना, इसके बाद ये समझ अंडरस्टैंडिंग है, एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कहानी मैं लिख रहा हूं ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। तो 4/5 यानी 80% वैलिड हो गए, 2/5 से वो जीत रहा है क्योंकि 70 और 30% का डिफरेंस 40%, दैट इज 2/5। अब मैंने आपको बोला कि एग्जाम में आपके पास एक ही तरीके का क्वेश्चन आएगा, या तो पूछेगा वैलिड वोट या पूछेगा टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर। अगर टोटल लिस्ट नंबर पूछ रहा है तो 4 × 8, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहां से भाई x की वैल्यू जब निकालोगे तो 25 को जब 1200 से गुणा करोगे तो 12×5 = 60 बचेगा, 6 × 12 = 24 और 6 × 3 और 2 0 फिर चिपका दो पीछे। तो देखो आ गया टोटल वोट 30,000, यही तो निकाला था आप लोगों ने। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो 30,000 हो गया। और अगर इसी का बोलता है कि वैलिड वोट बता दो, तो यार सही वोटों का जो 30,000 का, अगर आप यहां पर अगर मान लीजिए, अगर आप मेरे दोस्तों 30,000 का वैलिड वोट निकालते हैं 4/5, क्योंकि 1/5 तो इनवैलिड हो गए, तो 4/5 तो ये कितना आएगा, 6,000। तो फिर आपको टोटल जो वैलिड वोट मिलेंगे वो 24,000 मिलेंगे। इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए फटाफट से, सेशन को लाइक करिएगा जरूर सभी बच्चे, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, और अब मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करूंगा जो अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बेस्ट मेथड होता है फ्रैक्शन वाला। ठीक है, चलिए मोहिनी मिश्रा, पहले पिछली क्लास कैसे देख सकते हैं, तो मैं इसके लिए प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, Part 1, Part 2 और Part 3 तीनों की प्लेलिस्ट बना के वहां डाल दूंगा, और आपके अपकमिंग जो भी वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, इस बार 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80% लोगों ने वोट दिया होगा, और जितने लोगों ने वोट दिया है 12.5% उसमें से इनवैलिड हो गए। तो ये सारी चीजें कुछ अंडरस्टैंडिंग पे रहेंगी। शहनाज खान ने आंसर दिया भाई, बाकी बच्चे भी आंसर की तरफ अप्रोच करिए फटाफट से, बाकी बच्चे भी आंसर की तरफ आइए। ओके ओके, मोहिनी मिश्रा आप, हमने आपसे ऑफलाइन भी पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है भाई, कहां पर पढ़ा है आपने ऑफलाइन? प्लेलिस्ट मैं आज बोल दूंगा, मे बी शायद वो शाम तक रेडी हो जाए, शाम तक मिल जाएगी आप लोगों को। उसमें प्लेलिस्ट का नाम लिखेंगे इस बार सीजीएल पार, इस बार एसएससी सीजीएल पार, इसका हेडिंग लगा देंगे इस बार एसएससी सीजीएल पार। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आप देख लेना।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गुलशन कुमार जी, रेलवे एग्जाम के लिए भी है भाई, रेलवे में भी तो यही परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें तो आती है निकल के। चलिए शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को, आंसर बताता हूं। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, अगर 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80% लोगों ने वोट दिया होगा, पर 80% का मतलब 4/5 होता है, यानी टोटल वोट का 4/5 तो वोट आए होंगे। और अब ये देखिए 12.5% जो है जिसका मतलब 1/8 होता है, इतने वोट क्या हो गए, इनवैलिड। अगर इतने वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचेंगे, टोटल आठ में से एक वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, ऊपर वाला इफेक्ट बताता है। तो टोटल अगर 12.5% वोट इनवैलिड थे तो टोटल आठ में से अगर एक वोट इनवैलिड हो गया तो 7/8 यूनिट क्या बचेंगे, वैलिड बचेंगे। आप बोल दो 1/8 अगर इनवैलिड तो रिमेनिंग 7/8 वैलिड होंगे, इस तरीके से भी समझ सकते हैं चीजों को। अब यहां पर देखिएगा कि 60% विनर जो है वो ले जाता है, अगर यार 60% विनर ले गया तो 40% लूजर ले गया, 40% लूजर ले गया, इसका मतलब विनर कितने वोटों से जीत रहा है, 20%, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो इसी का जो 1/5 है और विनर यहां पर जीतता है फाइनली कितने वोटों से, 5600 वोटों से। तो एक लाइन के अंदर इस तरीके की कहानी को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, एक लाइन के अंदर इस तरीके की कहानी को सॉल्व किया जा सकता है। समझ लो दोबारा से, टोटल वोटिंग हमने एक्स मान लिया, 20% वोट अगर मान लीजिए नहीं डले तो 80% डले, यानी 4/5 वोट डले। अब जितने वोट डले हैं उसका 12.5% इनवैलिड, यानी 1/8 इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचेंगे, 7/8। 60% विनर लेता है तो 40% लूजर लेता होगा, तो 20% वोटों से जीत रहा है जिसका मतलब 1/5, बस कैंसिल आउट करो और आंसर ले लो, ठीक है भाई। 28 का डबल 56 यानी कि 200, तो एक्स की वैल्यू 25 × 8 200, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई आंसर आ जाएगा 40,000। बोलो समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, एकदम क्लियर। तो 40,000 इज द राइट आंसर, 40,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, बताइए समझ में आ गया सभी बच्चों को, तो 40,000 इसका राइट आंसर है, 40,000 इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जितने बच्चे भी सेशन के अंदर हैं भाई, जब तक सेशन को शेयर नहीं करोगे तब तक क्लास के अंदर मजा नहीं आएगा, इतने बेहतरीन क्वेश्चन और इतने जबरदस्त तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाली ट्रिक से करना एक बार, तो दूसरी वाली ट्रिक से भी कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं 12.5% को 25% कैसे मान लोगे, वो तो आधा है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं दूसरी वाली ट्रिक से भी कर दो, लो भाई दूसरी वाली ट्रिक से भी करना चाहते हो तो कर लो, आप जितना आप चाहोगे वो हो जाएगा। टोटल वोट मेरे भाई 100 मानो, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो 80 लोगों ने वोट दिया है, और 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 80 का 1/8 यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो 70 वोट क्या होंगे, वैलिड। 70 वोटों में से अब क्या हुआ कि यहां पर एक विनर आ गया और एक लूजर आ गया, विनर ने ले लिए 60%, 7 × 6 यानी 42 वोट विनर ने ले लिए, तो रिमेनिंग 28 वोट लूजर लेगा, क्योंकि 40% आप निकाल सकते हो कोई चीज, या बस 70 में से 42 माइनस कर दो 28 आ जाएगा। विनर कितने वोटों से जीत रहा है, विनर जीत रहा है 14 यूनिट वोटों से, डिफरेंस 14 का दिखाई दे रहा है आपको, तो 14 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 5600, तो एक यूनिट की वैल्यू 14 × 56 = 400, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 है तो टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 40,000। बोलो भाई समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, कोई गिला और कोई शिकवा हमसे, बताइए फटाफट से, पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, कैसे भी कर लो भाई, कैसे भी कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे रेगुलर रहोगे, अगर देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, एक ही बात है, एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से आप सभी बच्चों को,
अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म से आप सभी स्टूडेंट को जितने भी ऑल ओवर इंडिया से मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं, तो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर रेगुलर रहोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, इतना सीखोगे कि कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 100% एग्जाम के अंदर आते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को ओपन चैलेंज करता हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप सभी को कि प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के और जो अपकमिंग पेपर आपका आने वाला है उसमें भी उठा के आप देख लीजिएगा कि इस पैटर्न को एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। परसेंटेज मेरे भाई अगर बीच में डिफिकल्ट भी आ गई तब भी पैटर्न फॉलो करेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, सौरभ हल्दार जी कह रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस मैं नहीं सॉल्व कर पाता, तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर चीजों को बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हो और लगातार चीजों को कंटिन्यूटी में पढ़ना चाहते हो तो भाई रेगुलर जुड़ जाना। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ये क्लास होती है और इस क्लास को रेगुलर रखेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। अदरवाइज तो देखो यार यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे हर टीचर पढ़ा रहा है, आप हमेशा उस टीचर का साथ दे दीजिए या एक टीचर पकड़ लो जो आपको लगता है कि हाँ यार इन टीचरों का पढ़ाने का तरीका मेरे को समझ में आ रहा है और उसी के साथ जुड़ जाइए। हर टीचर अपने अपने बेस्ट पढ़ाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर पर्सन चाहता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकूं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी का मैचअप होता है क्या। क्या जो मैं यहां से डिलीवर करना चाह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप लोगों को जो पढ़ाना चाह रहा हूं क्या वो आपके दिमाग में आ रहा है? अगर इतनी सी बात अगर हम आपकी और हमारी बन जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक हम लोग जुड़ जाएंगे और फिर डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जिस दिन आप अपना एग्जाम में सक्सेस लेके निकलेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो, अच्छा एक मिनट रुकिएगा बच्चों, आई थिंक मेरे हिसाब से एक मुझे दूसरी पीपीटी को ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग बस। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिएगा फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पीपीटी को ओपन कर लेता हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पीपीटी मैं ओपन करता हूं, बस जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी ओनली वन मिनट एंड नाउ क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मैं यही समझाना चाहता हूं, मैं हर बार अपने सेशन में पिछले लास्ट अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो पिछले 6 महीने के बाद मैंने 15 दिन का ब्रेक लिया था यूट्यूब पर और मैंने 6 महीने के अंदर जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे सभी को बिल्कुल कंप्लीट परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री मेंसुरेशन एलजेब्रा पार्टनरशिप एवरेज एचसीएफ एलसीएम सब कंप्लीट करके मैंने दिया बच्चों को अच्छे से पता है। अब एक फ्रेश स्टार्ट किया है आफ्टर 15 डेज और पहला चैप्टर मैंने कराया था ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस और सेकंड हमारा पार्ट आज परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, समझदार को इशारा काफी है भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और समझना जरूरी है कि कौन हमारे लिए बेटर है और कौन हमारे लिए बेटर नहीं है। सीधी सी बात है, कोई बहुत घुमाने वाली बात नहीं है, छोटे बच्चे आप हो नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मंथली इनकम एक पर्सन की 13,500 है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 9,000 है। ठीक है, 9,000 है। नेक्स्ट ईयर उसका जो एक्सपेंडिचर है उस 14% से और इसका एक्सपेंडिचर, अच्छा एक मिनट रुको, ये जो वेतन है, वेतन ये 14% है ना भाई, ये इनकम है। देखो वहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, ये जो 14% से इंक्रीज कर रहा है ये इनकम है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, 14% से जो है वो इनकम इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है यदि उसका मासिक खर्च 9,000 और अगले वर्ष उसका वेतन 4,000 से बढ़ जाए, 14% से बढ़ जाए और खर्च 7% से बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो किरण कुमारी 28% आंसर दे रही हैं, पुष्पेंद्र कुमार भी 28% आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई,
चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते विनीत दुबे जी। अब देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम 13,500 रुपए है और एक्सपेंडिचर उसका 9,000 रुपए है। अब देखो क्या हो सकता है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से भी आगे निकल के आ सकता है कि यार इनकम आपकी 13,500 है, एक्सपेंडिचर आपका 9,000 है, तो 13,500 में से 9,000 माइनस करेंगे तो सेविंग्स निकल के आ जाएगा 4,500। उसके बाद हम 13,500 का 14% बढ़ाएंगे इनकम का, 9,000 का हम कितना बढ़ाएंगे 7% बढ़ाएंगे और फिर सेविंग्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स तीनों में से कोई भी दो वैल्यू अगर आपको पता होंगी, आय, खर्च और बचत में से तीनों में से कोई भी दो वैल्यू अगर आपको पता होंगी, तो आप हमेशा एक बार उनका रेशियो बना लो। पहले ना क्या बना लेना, रेशियो बना लेना, जीरो से जीरो, नौ से कटेगा, तो 3:2 का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:2 का यहां पर एक रेशियो बना लेंगे। अब आप देखेंगे कि दोस्तों इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का सम होता है, जो आय होती है वो खर्च और बचत के बराबर होती है। अब ये बताइए अगर उसकी इनकम 3 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, क्योंकि इनकम की वैल्यू 3 यूनिट आ चुकी है, एक्सपेंडिचर की वैल्यू 2 यूनिट आ चुकी है, तो अगर इनकम 3 एक्सपेंडिचर 1 तो सेविंग्स कितना होगा 1, है ना, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखिएगा, अब मुझे पता है कि मुझे इसकी इनकम का बढ़ाना है 14% और इसके एक्सपेंडिचर का भी मुझे बढ़ाना है 7%, तो सेविंग्स में कितना परसेंट इंक्रीज होगा यही तो पूछा गया है। अब देखो यार 14% बढ़ाने के लिए क्या मैं इसको 300, इसे 200 और इसे 100 ला सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल ला जाओ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अब क्या करना है, 14% इस 300 का कितना हो जाएगा 42, ठीक है, तो ये कितना हो गया 342, है ना। 7% इसका कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 214, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका पास कितना है 342, ये आपके पास कितना है 214, तो मेरे भाई ये कितना होगा 128। हाँ, कैसे, 342 में से, इनकम में से अगर 214 माइनस कर दोगे तो क्या 128 आएगा? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो 128 आएगा, तो आंसर आ चुका है। आप ये बोलेंगे कि पहले उसकी सेविंग 100 थी और अब सेविंग होगी 28, तो सेविंग्स में 28 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। और 100 पर जो चीज जितनी इंक्रीज करती है, 100 पर जो चीज जितनी इंक्रीज करती है उतना ही परसेंट वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आंसर इज 28%, 28% इज द राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बता दो, समझ में आ गया सभी बच्चों को, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? 28% इज द राइट आंसर, 28% जो है वो क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट से बताओ जरा सभी स्टूडेंट्स। तो ये हो गया परसेंटेज के तरीके से, अभी मेरा अपना बेस्ट तरीका आने का, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, जिससे कि शायद मुझे लग रहा है पूरे बोर्ड पर जितना कहानी लिखी हुई है इससे भी आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये सुपर नहीं है, सुपर से भी ऊपर अब आने वाला है जिसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे बात बन सकती है, ये बताइए मुझे, है ना। चलो क्लियर हो गया, तो ये आपके पास हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन आपके पास इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड आए, जब भी क्वेश्चन इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग से रिलेटेड आए, चाहे वो परसेंटेज से आ जाए, चाहे वो मिक्सचर कहीं भी आपको मिल जाए, तो बच्चे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जिसको बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन की क्लास मैं फिर दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं लेकिन आपको नहीं, पहले वाले बच्चों को। एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये बताइए अगर आप एक्सपेंडिचर और सेविंग और इनकम यहां रखते हैं तो एक एलिगेशन कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ बच्चे जानते भी हैं, जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। अब देखो जरा, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कितना आया था आपके पास 3 और 1 का, ठीक है भाई, 3 और 1 का आया था, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगर 2 है और इनकम 3 है तो सेविंग्स 1 ही तो बचेगी, तो ये रेशियो आ गया 3 और 1 का। अब देखो उसकी इनकम जो है वो 14% से इंक्रीज कर रही थी और एक्सपेंडिचर 7% से इंक्रीज कर रहा था। एलिगेशन में क्या होता है दोस्तों कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है
एक वैल्यू उससे छोटी होती है और एक वैल्यू उससे बड़ी होती है। एक वैल्यू उससे छोटी होती है और एक वैल्यू बड़ी होती है। अब जरा ध्यान से देखना कि आप अपने क्वेश्चन के आंसर को कैसे निकाल सकते हो। भाई अगर 14 में से 7 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। भाई 14 में से 7 को माइनस करोगे तो 7 आएगा। अब ये देखो, अगर एक यूनिट की वैल्यू 7 है, मतलब एक और दो कर रहे हो, सॉरी एक्सपेंडिचर 2 है भाई, यहां पर एक्सपेंडिचर कितना है 2, ठीक है। अगर ये बताओ, एक यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 2 यूनिट की वैल्यू यहां क्या आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए ना, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। भाई एक्सपेंडिचर अगर एक यूनिट की वैल्यू 7 निकल के आई, क्योंकि 14 में से 7 को माइनस करा 7 आया, तो 2 की वैल्यू 14 होगी, और यही 14 वैल्यू अगर यहां जोड़ दोगे तो यहां पर आपका सेविंग्स आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। तो 14 में 14 को ऐड कर दो, बोलो 28%। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है एलिगेशन लगा के किसी भी क्वेश्चन को उड़ा देना, ठीक है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ, एलिगेशन लगाना है, और एलिगेशन में क्या होता है कि इन वैल्यू को माइनस करते हैं। 14 में से 7 को माइनस करा 7 आया, और यहां पर अगर ये 7 है तो 7 का डबल ये 14 आ रहा है, यानी 14 ही इसमें ऐड कर दोगे तो 28%, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। फटाफट से कमेंट करके सभी बच्चे बताइए, क्लियर हो गया। तो ये था भाई आप लोगों का एलिगेशन मेथड, और इस एलिगेशन मेथड के बिहाव पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। स्टूडेंट आज की डेट में बच्चों आप लोगों को अड्डा 247 की तरफ से 72% का डिस्काउंट मिल रहा है। सभी स्टडी मटेरियल्स पर फ्लैट 72% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं 72% का डिस्काउंट लेने के बाद, ठीक है। और इसके लिए आप मेरे रेफरल कोड को अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो रेफरल कोड लगाना है आप लोगों ने वो है Y240 कोड को अप्लाई करके आप बेनिफिट को उठा सकते हैं, ठीक है भाई। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी बच्चों को ये जो सेशन था वो कैसा लगा, सेशन समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मंडे को फिर दोबारा से मैं आप सभी के समक्ष फिर दोबारा से आऊंगा, और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा परसेंटेज का पार्ट नंबर 4, ठीक है। प्लेलिस्ट के लिए मैं आज बनवा दूंगा, प्लेलिस्ट शाम तक आप चेक कर लेना। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 नहीं देखा था तो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 को जरूर देखिएगा, और पार्ट नंबर 3 आप लोगों ने अटेंड किया, ऐसे में उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। हां जी, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है। मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूं बच्चों, कि अगर आप टाइमिंग देखना चाहते हैं तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है। अब मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, देखो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में, ठीक है। चलिए तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। किसी बच्चे ने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका प्यार और सम्मान इस तरीके से मिलता रहेगा तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं रविंदर सिंह स्वागत करूंगा आप सभी का दोबारा से मंडे को अपने सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।